हेलो एवरीवन वेलकम टू पाई मैथ्स और मैं हूं नवीन गुप्ता देखिए आज के इस वीडियो में हम केस स्टडीज़ की के एक अलग सीरीज जो कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड केस स्टडीज़ तो चलिए शुरू करते हैं पहली केस स्टडीज है पहली केस स्टडी है अ कंस्ट्रक्शन कंपनी पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड साइंड अ कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हॉस्टल बिल्डिंग हैविंग अ टोटल ऑफ वन थर्टी फाइव रूम्स द मैनेजर ऑफ़ द कंपनी कॉल्ड अप अ मीटिंग टू डिसाइड ऑन द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग इन एन एफिशियंट वे टू एम्प्लॉयज़ पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज़ तो यहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें टोटल रूम्स जो होने हैं दैट इज़ वन थर्टी फाइव तो ये डाटा आपको नोट कर लेना है नंबर ऑफ रूम्स दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विल बी वन थर्टी फाइव ठीक है अब यहाँ पर दो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे जो उनके आइडियाज हैं वो मांगे गए एम्प्लॉय वन देखिए क्या कहता है एम्प्लॉय वन सेड द नंबर ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर शुड बी टू लेस दैन थ्राइज द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग यानी एक फ्लोर पर जो नंबर ऑफ रूम्स होंगे ठीक है वो आ, टोटल फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है उससे टू लेस होने चाहिए उसके तीन गुने से दो कम होने चाहिए ठीक है तो इसकी अभी इक्वेशन हम लोग देखेंगे कैसे बनेंगी बट देख लेते हैं कि एम्प्लॉय टू ने क्या आइडिया रखा एम्प्लॉय टू ने कहा कि द नंबर ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर शुड बी थ्री लेस दैन डबल द नंबर ऑफ फ्लोरस इन द बिल्डिंग ठीक है तो इनका आइडिया भी देख लेंगे हम लोग अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि बेस्ड ऑन द एब इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला रिप्रेजेंट द डिजाइन सजेस्टेड बाई एम्प्लॉय वन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन शो योर वर्क तो वो भी दिखा देंगे हम लोग सेकेंड में ऑब्वियसली एम्प्लॉय सेकेंड के लिए पूछा गया है फिर थर्ड में कहा गया है विच एम्प्लॉय सजेस्टेड द प्रैक्टिकल डिजाइन तो किसका डिजाइन प्रैक्टिकल है किसका डिजाइन इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो बताना है आपको और हाउ मेनी फ्लोर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉय शो योर वर्क गिव वैलड रीजन तो देखिए आपको परफॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे जब भी केस स्टडी आपके सामने आती है तो पहला वर्क होना चाहिए एक बार क्विकली उसको रीड कर लेना है देन दोबारा पढ़ते हुए आपको जो प्रोसेस उसको दिखाना है कहां पर क्या करना है ओके तो लेट्स विदर्स्ट पार्ट पहले पार्ट में एम्प्लॉज फर्स्ट कहता है कि द नंबर ऑफ रूम्स ऑन ए फ्लोर शुड बी टू लेस देन थ्राइज द नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग तो नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग विल बी एक्स तो ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ फ्लोर एक्स लिए तो नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएंगे ऑन अ फ्लोर इट विल बी एकॉर्डिंग टू फर्स्ट एम्प्लॉय अगर बात की जाए तो फर्स्ट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर शुड बी टू लेस देन थ्राइज द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग यानी कि थ्री एक्स माइनस टू ठीक फ्लोर्स के तीन गुने से दो कम होना चाहिए थ्री एक्स माइनस टू आ गया अब क्वेश्चन आगे कहता है कि कितने टोटल फ्लोर्स हैं जहां पे ये तो एक्स हमने लिए हैं रूम्स कितने हैं वन थर्टी फाइव तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी हमारी इट इज एक्स यानी कि नंबर ऑफ फ्लोर्स इन टू थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना वन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज और माइनस वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एम्प्लॉय जो फर्स्ट एम्प्लॉय ने प्लान सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बनेगी जो कि हमारा पहला आंसर होगा यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा ओके okay? चलिए अब सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं सेकेंड एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग Uh, अगर देखा जाए तो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द डिजाइन सजेस्टेड बाई द एम्प्लॉय टू इन फॉर्म ऑफ ए क्वालिटी थ्री लेस देन डबल ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग अगेन वही लेट द नंबर ऑफ फ्लोर्स बी एक्स ठीक है सेकेंड एम्प्लॉय के लिए वही ले रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर विल भी दैट इज क्या कहता है देखिए ध्यान से नंबर ऑफ रूम्स ऑनोर शुड बी थ्री लेस देन डबल द नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग टू एक्स माइनस थ्री ओके ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल रूम्स क्या हो जाएंगे एक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इट विल बी टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन थर्टी फाइव इजक्वल टू ज़ीरो अब इस केस स्टडी में अभी तक आपने दो पार्ट्स पूरे कर लिए हैं ठीक थर्ड पार्ट में अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी वेस्ट चीज यहाँ पर पूछी गई है कि विच एम्प्लॉयज सजेस्टेड द प्रैक्टिकल डिज़ाइन प्रैक्टिकल डिजाइन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि किस क्वालिटी इक्वेशन से जो वैल्यूज हमारी निकलेंगी वो रियलिस्टिक होने वाली हैं रियल वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी या आप कह सकते हैं कि जैसे रूम सपोजिट हैं तो वो नंबर ऑफ रूम शुड भी इन द इंटीग्रल वैल्यू नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो भी इंटीग्रल वैल्यू में आने चाहिए ठीक है तो आ, अगर ये वैल्यू हमारे इंटीग्रल वैल्यू में आ जाती हैं तब तो ठीक है अगर नहीं आ रहे हैं तो उस केस में ये डिजाइन प्रैक्टिकल नहीं होगी ओके तो आ, थर्ड पार्ट कहते हैं कि विच एम्प्लॉय सजेस्टेड द प्रैक्टिकल डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग हाउ मेनी फ्लोर शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द दैट एम्प्लॉय शो योर वर्क एंड गिव द वैलिड रीजन तो चलिए देखते हैं उठाते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को चलिए अब इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नहीं है तो लेट्स रिमूव इट ओके एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन पहली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये थर्ड पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन थर्टी फाइव देखिए जब हम फैक्टर्स करने पे आते हैं तो वन थर्टी फाइव के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे आपको वन थर्टी फाइव इंटू थ्री के कि आपको टू मिल जाए ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे 135 थर्टी फाइव इज़ गोइंग टू बी फिफ्टीन और नाइन है ना तो उसको आप थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव ऐसे करके लिख सकते हैं साथ ही साथ एक थ्री और हमारे पास है तो अगर फैक्टर्स करेंगे आप तो आपके पास मिल जाएगा थ्री थ्री या नाइन थ्री या एटीन एटीन और फिफ्टीन नहीं हो रहा है फैक्टर्स यहाँ पे ठीक है देन फिफ्टीन एंड नहीं ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे वैल्यू तो इस केस में डायरेक्टली कोई फैक्टर नहीं आ रहा है तो हमें एक काम कर लेना है यहाँ पे एक्स के लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है विच इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करते हैं कि वैल्यू रियलिस्टिक है या नहीं तो बी स्क्वायर इज गोइंग तो टू बी माइनस टू का स्क्वायर ओके माइनस फोर ए सी तो फोर ए इज़ थ्री सी इज माइनस का वन थर्टी फाइव तो ये वैल्यू हमारी आ रही है फोर और प्लस का फोर्थ या ट्वेल्व ट्वेल्व और वन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका जो होगा कुछ इस तरीके से आएगा जो रूट के अंदर वैल्यू आने वाली है ठीक है तो फोर इंटू वन थर्टी फाइव चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फोर फाइव जा ट्वेंटी का जीरो टू कारेट फोर थ्री या ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फोर्टीन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट वन फोर वन जहा फोर एंड वी आर गेटिंग ही वन एंड फाइव फाइव फोर्टी अगेन थ्री तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कुछ ऐसा ठीक है तो आंसर वन सिक्स टू फोर आ रहा है अब ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और जब परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यू होंगी वो आ, आप कह सकते हैं होल नंबर में नहीं आएंगे डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यानी कि डी जो एक्स की वैल्यूज होंगी दे विल नॉट बी होल नंबर और जब एक्स होल नंबर ही नहीं है तो उस केस में आपका जो आंसर होगा जो एम्प्लॉय ने फर्स्ट आइडिया दिया है ठीक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ फ्लोर्स जो हैं वो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए कि टू फ्लोर्स हो सकते हैं फोर फ्लोर हो सकते हैं इट कांट बी थ्री बाई टू ठीक है तो आपको आंसर इस तरीके से देना है इसमें चलिए सेकेंड पार्ट का देखते हैं सेकेंड पार्ट में कहा गया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन थर्टी फाइव तो देखते हैं क्या इसका आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं तो द इक्वेशन वाज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन थर्टी फाइव इजक्ल टू ज़ीरो ठीक है सेकेंड एम्प्लॉय के केस में देखिए पहले हमने टू और वन थर्टी फाइव को मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर्स हमारे इसके निकालने पड़ेंगे तो टू इज देयर वन थर्टी फाइव अगेन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री टाइम्स देन फाइव तो फाइव टू जा टेन एंड अगेन अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं नाइन थ्री जा ट्वेंटी सॉरी थ्री जी नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ज़्यादा हो रहा है फाइव थ्री जी फिफ्टीन फिफ्टीन और इधर आपके पास आ जाएगा एटीन ये पॉसिबल है तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए एटीन और फिफ्टीन तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस वन थर्टी फाइव इजक्ल टू जीरो अब टू एक्स कॉमन करिए यू विल गेट एक्स माइनस नाइन फाइव कॉमन कर लीजिए आई थिंक फिफ्टीन पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा इट्स एक्स माइनस नाइन नाउ टू एक्स प्लस फिफ्टीन और दूसरे में मिल रहा है एक्स माइनस नाइन तो एक्स की एक वैल्यू आपको नाइन मिल जाएगी ओके okay? दूसरी मिल रही है माइनस फिफ्टीन बाई टू अब नंबर ऑफ फ्लोर्स माइनस फिफ्टीन बाई टू तो पॉसिबल ही नहीं है तो एक्स इज इक्वल टू नाइन दैट इज द वैलिड आंसर ठीक है क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं नाइन हो सकते हैं एट हो सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है ओके okay? तो नंबर ऑफ फ्लोर्स विल बी नाइन और जो सेकेंड हमारा वी कैन से कि सेकेंड आंसर है वो सही है ठीक है तो नंबर ऑफ फ्लोर्स विल भी नाइन ओके तो इस तरीके से इस केस स्टडी को हम लोग सॉल्व